ऑफ क्लास 3। बच्चों आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसमें आज हम चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो है एक पत्र है, तो पत्र लेखन है आपका, लेटर राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यान से देखिए। हमें अपने जीवन में कभी कभी मित्रों को तथा कभी दूर बैठे रिश्तेदारों को पत्र लिखने पड़ते हैं। अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने का ये अच्छा साधन है। क्या है कि कभी कभी जो है जो दूर रहते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही दूर जो रहते हैं दूसरे जगह, तो उसको हम क्या करना पड़ता है, उसको हमको पत्र लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का यह सबसे अच्छा साधन होता है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब क्या है, पत्र लिखने के भी बहुत से तरीके होते हैं, तो ये किस तरह से लिखा जाता है वो भी देखिए। इसका भाषा सरल यानी ईजी भाषा हो, ताकि उससे पढ़े तो कोई भी समझ जाए। कम शब्दों में बात कही गई हो और उनको थोड़ा कम शब्दों में लिखना चाहिए। जिसे पत्र लिखना है उसे ठीक से संबोधित किया गया हो, और जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उसको वो ठीक तरह से संबोधित किया जाना चाहिए, ठीक है। पत्र साफ अक्षरों में लिखा हो, और क्या होता है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम गुड हैंड राइटिंग का होना चाहिए। पता ठीक लिखा हो, और क्या होता है जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ का जगह का जो नाम है वो सही होना चाहिए। अगर वो गलत होगा तो वो लेटर किसी और के पास चला जाएगा। अबे पत्रों के भेद, पत्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत तथा औपचारिक। क्या होते हैं, दो तरह के पत्र होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत और दूसरा होता है औपचारिक। पहला है व्यक्तिगत पत्र, अपने मित्रों संबंधियों और घर वालों को लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत पत्र में क्या होता है, अपने मित्रों और या फिर अपने रिलेशन में जो रहते हैं सब घर वाले के सही संबंधियों जो होते हैं उनको लिखे जाते हैं। दूसरा औपचारिक पत्र, अधिकारी प्रधानाचार्य संपादक आदि को लिखे जाते हैं। ये क्या होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, ठीक है। इसमें जैसे आप यहाँ पे स्कूल में लिख कर देते हो प्रिंसिपल को, अपने क्लास टीचर को, तो ये सब क्या होता है, या फिर कहीं आप लिखते हो, ठीक है, तो फिर ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं औपचारिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र का नमूना, ये क्या है, व्यक्तिगत पत्र है। पहला है चाचा जी द्वारा भेजे गए उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए पत्र। यानी क्या, अपने रिलेशनशिप में है ना चाचा जी, तो इसके बारे में आपको पत्र लिखना है, तो आप, मैं दिखाती हूँ कैसे लिखना है आपको। तो स्टूडेंट आप देखिए इसे ध्यान से, आप पहले लिखिएगा यहाँ पे 127 कॉमा, फिर लिखिएगा डिफेंस कॉलोनी, फिर दूसरा लाइन में कानपुर, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश। आप यहाँ दिनांक दीजिएगा, जैसे आज कितना तारीख है यहाँ पे, तो आज है 27/6/2020। ओके स्टूडेंट, तो ये आप डेट लिखिएगा यहाँ पे। अब आदरणीय चाचा जी, दूसरा लाइन में आदरणीय चाचा जी कॉमा, फिर आप दूसरे लाइन में लिखिएगा नमस्ते। ओके नमस्ते लिखिएगा। अब आप स्टार्ट कीजिएगा लेटर यहाँ से लिखने, नेक्स्ट लाइन से आशा है आप सब कुशल होंगे, आशा है आप सब कुशल होंगे, पूर्णविराम। आपकी उपहार में भेजी गई पुस्तक, आपकी उपहार में भेजी गई पुस्तक पंचतंत्र की कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसकी दो कहानियाँ पढ़कर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पूर्णविराम। चाची जी को मेरा प्रणाम, चाची जी को मेरा प्रणाम, कहानियों की पुस्तक के लिए धन्यवाद, कहानियों की पुस्तक के लिए धन्यवाद, पूर्णविराम दीजिएगा। और आप क्या कीजिएगा, नेक्स्ट लाइन से आप लिखिएगा आपका जब मेरा, देखिए यहाँ पूरा ये ख़त्म हो जा रहा है, अगर आपका आधा में ख़त्म होता है तो आप फिर नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट कीजिएगा, और वहाँ पे आप लिखिएगा आपकी बेटी, अगर गर्ल है तो आप लिखिएगा आपकी बेटी और यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, और अगर आप बॉय है तो आप लिखिएगा यहाँ पे आपका बेटा, अपना नाम लिखिएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग का ये लेटर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो आप इसे अपने कॉपी में एकदम लिख लीजिएगा और इसे आप याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, और याद करने के बाद इसे आप खुद से भी लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।